हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है आरएफएक्स। जब भी कोई कंपनी गुड्स और सर्विसेज की आउटसोर्सिंग करती है, तब हम सप्लायर से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जिनके नाम आपने कई बार सुने होंगे, जैसे रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर बिड, रिक्वेस्ट फॉर टेंडर, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ये सारे एक्रोनिम्स मिल के एक फैमिली बनाते हैं जिसे आरएफएक्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। इस आरएफएक्स फैमिली में मोस्ट कॉमनली यूज तीन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिसे हम आरएफआई, आरएफपी और आरएफक्यू कहते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या होता है। मान लीजिए आपकी कंपनी में आपको ईआरपी का कोई प्रोजेक्ट लाना है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट में ईआरपी के कौन कौन से प्रोडक्ट है या कौन कौन से सप्लायर है जो ईआरपी बनाते हैं। जब आपके पास सप्लायर्स की या उसके प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले आप एक शॉर्टकट अपनाएंगे, वो होगा गूगल पे सर्च करने का। लेकिन इससे सिर्फ आपको सप्लायर या ओईएम की लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। या आप एक काम कर सकते हैं कि आरएफआई सेंड कर सकते हैं। इस मेथड से आप सप्लायर का जितना डेटा पॉसिबल हो सकता है सारा कलेक्ट कर सकते हैं। ये आरएफआई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सप्लायर या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक आरएफआई सेंड करेंगे। आरएफआई एक डॉक्यूमेंट होता है जो वेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन उससे पूछ सकता है, जैसे वो क्या करते हैं, वो क्या है, उनका मार्केट में क्या शेयर या स्टेटस है। आरएफआई हम एक क्वेश्चनेयर के फॉर्म में बनाते हैं। तो आरएफआई, जैसा हमें नाम से ही समझ आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होता है। हम सप्लायर या वेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। अब हम देखते हैं आरएफपी क्या होता है। आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जैसा हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि सप्लायर हमें कुछ प्रपोजल देते हैं। तो ये प्रपोजल होता क्या है? आरएफपी में आप बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और सप्लायर प्रपोज करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आरएफपी में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं। सप्लायर हमें ये प्रपोज करते हैं कि आपको जो ईआरपी का प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट है। सप्लायर या वेंडर हमें उसका प्रपोजल देते हैं। अब हम देखते हैं आरएफक्यू। आरएफआई में हम इंटरेस्टेड होते हैं सप्लायर्स शॉर्ट लिस्ट करने में, और आरएफपी में हम इंटरेस्टेड होते हैं टू चेक द एबिलिटी ऑफ द सप्लायर, कि ये पर्टिकुलर सप्लायर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है या नहीं। आरएफक्यू, जैसा हमें नाम से समझ आ रहा है, आप सप्लायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी प्राइस कोट करे जो भी सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी। ये एक कॉम्पिटिटिव बिड डॉक्यूमेंट है। जब प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो जाता है और सारे बिडर्स एट पार आ जाते हैं, तब आप सप्लायर या बिडर से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मंगवाते हैं। सारी कंपनीज की अपनी अपनी कुछ प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होती हैं, जिसमें वो आरएफआई, आरएफपी या आरएफक्यू तीनों यूज कर सकते हैं या कोई एक या दो मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम तीनों मेथड का यूज करें। आरएफआई को हम रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन भी कहते हैं, आरएफक्यू, क्योंकि इसमें हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि सप्लायर जो हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होगी। और कहीं कहीं आरएफपी को आरएफओ भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ऑफर, क्योंकि सप्लायर इसमें अपना ऑफर सबमिट करता है। इन शॉर्ट, हम देखें तो आरएफआई में हम सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करते हैं। आरएफपी में हम शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके लिए कोई सॉल्यूशन प्रपोज करें। और आरएफक्यू में सप्लायर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सॉल्यूशंस वो प्रपोज कर रहे हैं उसका वो क्या चार्ज करेंगे।